दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू क्रिएट योर ओन कॉपीराइट फ्री इमेज फॉर वेबसाइट, ब्लॉग एंड यूट्यूब थंबनेल एंड मेनी अदर प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक पोस्ट, फेसबुक कवर पेज एंड ट्विटर पोस्ट, इंस्टाग्राम पोस्ट एंड मेनी सोशल मीडिया नेटवर्किंग प्लेसेस यू कैन पोस्ट योर ओन कॉपीराइट फ्री इमेज। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा। अगर ये आपने जानना है तो प्लीज़ ये वीडियो आखिर तक देखते रहिए। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं और मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे दिए हुए रेड कलर के ऑप्शन में इसको जल्दी से सब्सक्राइब करें। इसमें मैं कंप्यूटर, इंटरनेट, एंड्रॉयड, गूगल, सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी के बारे में मुफ्त में ट्यूटोरियल डालते रहता हूँ। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे ब्लॉग पर भी जा सकते हैं, ऐसा क्या हिंदी .blogspot.com। चलो देखते हैं। उस सॉफ्टवेयर का नाम है दोस्तों, उस प्लेटफॉर्म का नाम है कैनवा। कैनवा बहुत ही अच्छा टूल है दोस्तों। इसमें मैं ज़्यादातर यहाँ पे जाएंगे साइन इन करने के बाद, अगर आपने साइन इन नहीं किया तो साइन अप करना पड़ेगा, उसके बाद साइन इन कर लें। तो यहाँ पे प्लस का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों बहुत सारे टैम्पलेट्स हैं इसके, फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ पेड भी हैं कुछ फ्री भी हैं। लेकिन आप अपने ब्लॉग के लिए, वेबसाइट के लिए, यूट्यूब थंबनेल के लिए, फेसबुक पोस्ट के लिए, ब्लॉग ग्राफिक के लिए या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं। इज अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस हैं दोस्तों यहाँ पे। सोशल मीडिया पोस्ट के लिए यहाँ पे ट्विटर पोस्ट, सोशल मीडिया पिंट्रेस्ट ग्राफिक्स, फेसबुक ऐप। तो यहाँ पे आपने कहाँ जाना है, ब्लॉग के लिए या वेबसाइट के लिए अगर आपने जाना है तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। ये बहुत सारे इसमें टैबलेट्स दिए हुए हैं। इसमें मैं एक पे क्लिक करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे फर्स्ट वन पे मैं क्लिक किया है। मैंने यहाँ पे फर्स्ट वन पे क्लिक करने के बाद जो आप देख रहे हैं, हम दोस्तों यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड पे क्या देख रहे हैं, बहुत सारे फ्री टैम्पलेट्स दिए हुए हैं, इमेजेस दिए हुए हैं। इसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हो, कोई कॉपीराइट इशू नहीं है इसके ऊपर। आमतौर पे अगर गूगल के थ्रू, गूगल पर सर्च करके आप डायरेक्ट अगर कोई इमेज उठाते हैं और उसको आप ब्लॉग के ऊपर लगाते हैं तो कॉपीराइट स्ट्राइक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर आपने इस पोस्ट को उठाना है तो आप इस पोस्ट को भी उठा सकते हैं, और यहाँ पे अगर आपने कुछ चेंज करना है तो आप तो यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे चेंज का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे ऊपर जैसे वर्ड या एक्सेल स्क्वायर में मेन्यू बार्स आते हैं, यहाँ पे मेन्यू बार्स आ गए। यहाँ पे फॉन्ट साइज भी आप चेंज कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो हिंदी में भी लिख सकते हो आप इस चीज में। तो यहाँ पे आपको सेटिंग है जो थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पे जैसे इंग्लिश की लैंग्वेजेस हैं, स्टाइल्स दिए हुए हैं यहाँ पे, तो फॉन्ट स्टाइल है यहाँ पे चेंज कर सकते हैं आप। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐसा, सॉरी ऐसा क्या हिंदी, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने। तो ये आपको यहीं पे ऐसे रहने देता हूँ मैं इसको। अगर आपने टेक्स्ट और इसको डिलीट करना है आप यहाँ पे आके डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर टेक्स्ट आप और डालना चाहते हो तो यहाँ पे टेक्स्ट और भी डाल सकते हो। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं सर्च, लेआउट, एलिमेंट्स, यहाँ पे आप थोड़ा सा R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हो। यहाँ पे अगर कोई इमेजेस आपने अपलोड करनी है, जैसे अ लॉट ऑफ इमेजेस मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर रखी हैं, अगर आपने यहाँ पे डाउनलोड करना चाहते हो तो कर सकते हो। और यहाँ पे आप लगा सकते हो इसके ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं पोस्ट के लिए, फेसबुक पोस्ट के लिए यहाँ पे वंदे मातरम है, वंदे मातरम यहाँ पे लिख दिया। एंड फिलहाल मैं इसको गायब कर देता हूँ। ये दोबारा आ गया।
यहाँ पे अगर आपने बैकग्राउंड चेंज करना है तो बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो आपके फ्री वाले टेम्पलेट हैं उसका बैकग्राउंड आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने इसका बैकग्राउंड चेंज करना है तो मैं उसका एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे ही आप बुक कवर के ऊपर क्लिक करते हैं, बुक कवर पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो बैकग्राउंड है ये वाइट है बैकग्राउंड, यहाँ पे अगर आप इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हो यहाँ पे क्लिक करेंगे बैकग्राउंड पे, एंड देन ग्रीन करना चाहते हो तो यहाँ पे आप ग्रीन कर सकते हो, और अगर आपको टेक्स्ट यहाँ पर लिखना है तो यहाँ पे टेक्स्ट आप कुछ भी लिख सकते हो। ऐसे ही यहाँ पे आपने अगर टेक्स्ट लिखना है तो यहाँ पे भी आप टेक्स्ट दे सकते हो, और यहाँ पे उठा के अगर आपने कहीं भी ड्रैग करना है तो वहाँ पे आप ड्रैग कर सकते हो। अगर कोई और फॉन्ट में आपको चाहिए तो यहाँ पे आप फॉन्ट का स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। अगर हिंदी में लिखना है तो यहाँ पे आपको हिंदी में भी टाइप कर सकते हो, एंड देन यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे शेप्स दी हुई हैं, जो आप शेप से उठाना चाहते हो यहाँ से उठा सकते हो विदाउट एनी कॉपीराइट इशू। यहाँ पे कोई भी कॉपीराइट इमेज इशू नहीं आएगा दोस्तों, अगर कोई कैनवास से अगर आप यूज करते हो यहाँ पे। यहाँ पे देखिए आप सर्कल दिए हुए हैं, यहाँ पे ये उठा रहे हैं, उठा सकते हैं आप, यहाँ पे इसको उठा दिया मैंने, यहाँ पे थोड़ा सा इंटरनेट स्लो चल रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ, तो यहाँ से आप थोड़ा सा सर्च कर सकते हो। आप साइन अप करोगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों, इसके कुछ चार्जेस नहीं है साइन अप करने के भी। तो यहाँ पे देखिए अभी उठा लिया, तो यहाँ पे अगर कोई उठाना चाहते हो डॉलर का साइन, ये जैसे कोई पर्सन है यहाँ पे उठाना चाहते हो यहाँ पे उठा सकते हो, मोबाइल है यहाँ पे, यहाँ पे डेस्कटॉप पड़ा है, यहाँ पे लैपटॉप पड़ा है, यहाँ पे बैग पड़ा है एक, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे लेआउट्स में और जाएंगे तो आप और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यहाँ पे कुछ पेड ऑप्शंस भी हैं। यहाँ पे एक याद रखना दोस्तों, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ फ्री, वो फ्री है, यहाँ पे पेड ऑप्शन भी आएगा जिनके ऊपर जिनके नीचे फ्री नहीं लिखा हुआ, जैसे यहाँ पे ये फ्री नहीं लिखा हुआ, इसके नीचे डॉलर का साइन बना हुआ है तो ये पेड वर्जन है, इसका आपको $1 के अराउंड समथिंग का कॉस्ट होती है, वो आपको पे करनी पड़ेगी। तो आप इसी टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हो, और डाउनलोड करने का भी बहुत ही इजी मेथड है दोस्तों। यहाँ पे डाउनलोड में जाना है आपने, एंड देन कोई भी फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में आपको चाहिए उस फॉर्मेट में आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। मैं ज्यादातर जो थंबनेल बनाता हूँ तो ज्यादातर कैनवा की होते हैं, फोटोशॉप को मैं बहुत ही कम यूज करता हूँ मैं एक्चुअली। तो यहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, और आमतौर पे थंबनेल के लिए भी यहाँ पे कुछ सैंपल्स दिए हुए हैं यूट्यूब थंबनेल के लिए। यहाँ पे आप दे रहे हैं, क्या देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास काफी सारे थंबनेल आ गए हैं जो फ्री हैं, कुछ पेड हैं जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे डॉलर का निशान है, ये फ्री नहीं है दोस्तों, और जो फ्री है आप उसको फ्रीली यूज कर सकते हो विदाउट एनी कॉपीराइट इशू। इमेज के ऊपर कोई कॉपीराइट इशू नहीं आएगा दोस्तों, और अगर थोड़ा बहुत अगर एडिट करके आप कोई इमेज को यहाँ पे लगाना चाहते हो, जैसे मैंने यहाँ पे ये मोबाइल एडिट किया, और यहाँ पे अगर आपने लगाना चाहते हो कवर को, मोबाइल कवर को यहाँ पे आप लगा सकते हैं। एंड दोस्तों कोई कुछ भी लगा सकते हो आप, यहाँ पे प्लस का निशान है, जैसे मैंने यहाँ पे अपलोड किया, अपलोड योर ऑन इमेज, जैसे आप अपलोड करोगे तो यहाँ पे आपको वहां से आप अपलोड कर सकते हैं। टेक्स्ट आ गया, बैकग्राउंड हो गया, एलिमेंट आ गया, लेआउट्स हो गए दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे लेआउट्स दिए हुए हैं, इसको आप यूज करके देखिए दोस्तों। और यहाँ पे फेसबुक पोस्ट के लिए भी बहुत सारे अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स वगैरह और थीम्स वगैरह दिए हुए हैं, यहाँ पे आप यूज कर सकते हो इसको। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने चैनल को और सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।
दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज कमेंट में जरूर लिख के भेजा करिए कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी और मुझको क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। अगर आप कमेंट में ये लिख के भेजेंगे कि मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, तो इस चीज़ में मैं थोड़ा सा वर्किंग करूँगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।